अभी हम जा रहे हैं थोड़ा वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए जा रहे हैं। साफ साफ जो कहिए कि आज आपके वहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी है, तो यहाँ पे वो लाइट देखने कनेक्शन आज लग जा गया रहे है। हो, ठीक है? जरा घुमाना कैमरे को हाँ जी, हाँ जी, कैमरा तो हम जरूर घुमाएंगे। सामने पर ये रवि पारा सूझ रहा नहीं है, फिर सूझ गया ना, नहीं आज तो सूझ गया ना, पर कैमरे वाले कैमरे जो सूझ ना, नहीं नहीं ये बता, बड़ बड़ रहे रात जी टाइप हुई ना। हाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था ना जब हम लोग घूमने निकले, तो इस वजह से फिर दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ हमें तो थोड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा था, लेकिन कैमरा में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था, तो लाइट्स वगैरह हमने इसीलिए जलाई थी भी, सामने से कैसे नज़र आएगा। और अभी ब्रेकफास्ट की चली है तैयारी, बच्चों को जाना है स्कूल। घर पे इतना ज़्यादा शोर है जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई यहाँ से चिल्लाता है, कोई वहाँ से। तो मैं पहले बच्चों को रेडी करके आ जाती हूँ, नहा के उनको वर्दियाँ वगैरह डाल के, फिर बाद में टाई वाई शूज़ पहनाना ये सब फिर पतिदेव कर देते हैं। और जब कोई सब्जी बननी होती है तो वो यहाँ पे हेल्प करवा देते हैं। अभी आज आलू के परांठे बन रहे थे, तो आलू के नहीं आलू प्याज के, बच्चों को आलू प्याज के परांठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर खाली आलू के ही बनाऊँ ना तो उनको उतने पसंद नहीं आते, तो इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। देखिए चाट मसाला, थोड़ा सा मिक्स मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के परांठे बना करके बच्चों को भेज दिया अभी करेंगे। स्कूल। और चलिए पहले आपसे ही थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। बहुत बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि आपने अपना हेयर फॉल कैसे कंट्रोल किया है, तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपना हेयर फॉल जो है ना वी बॉडी वाइज की हेल्प से कंट्रोल किया है। ये है क्या? ये है गमीज। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके की ये गमीज है। दिन में एक आपको गमी लेनी होती है, और ये जो गमीज है ना ये मल्टी विटामिन है विद बायोटिन प्लस जिंक। मतलब बायोटीन, अगर आपको हेयर लॉस से कोई भी इशू है ना, तो आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपको बायोटीन की सप्लीमेंट्स लेने होंगे। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको बायोटीन के साथ मल्टी विटामिन्स भी मिल रही हैं, जिंक भी मिल रही हैं। तो ये इंस्टेंटली आपके हेयर फॉल को रोकता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। बस आपको दो से तीन मंथ तक रेगुलरली इसे फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सोचें कि बस दो चार बार खा लूंगी और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप थॉर्ली से नहीं यूज करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो गमीज है ना ये 100% वेजिटेरियन है, 100% सुगर फ्री है, किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड नहीं किया गया है। मतलब 100% सेफ है। आप इसे बेझिझक अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अच्छा लेना कहाँ है, तो कहाँ से है, तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी, वहां से आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 20% तक आपको कैशबैक भी मिल सकता है। बॉडी वाइज इज डिजिटल हेल्थ क्लिनिक फॉर वुमेन। अगर आपको भी हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू है, देन गो अहेड एंड बुक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन विद बी बॉडी वाइज हेयर एक्सपर्ट। एंड ये जो है ना ये टोटली फ्री है, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली इसे चेकआउट कर सकते हैं। वो यार आ गया एक्चुअली, वो गाड़ी 3-4 दिन से गैरेज में थी, उसका जो वो एक्सेल की सील होती है वो टूट गई, मतलब लीक कर रही थी। तो एक्सेल की सील के खोलने के चक्कर में उसका जो एक्सेल होता है उसका आगे का वो टूट गया, पूरा एक्सेल चेंज कराना पड़ा। फिर अभी जाके पहुंचा, यहाँ बहुत गर्मी है भाई। गुड वहाँ अब सुप्रौन भी चले गए सारे। कौन प्रौन है? सुजीत तिहारे हूँ गाय बैल। अब पोस्ट मैन नहीं आने देते थे, बिल्कुल भी थी भी। अच्छा, मुझे हंसी भी आई, मैंने हाँ घर जो भी प्रोटेक्ट कर देंगे ना। फिर तो आया अब मैं सानू मिट्टू को ले आता हूँ, टाइम हो गए 41 हो गए अब। नहीं हाँ भाई गुड ठीक है। जूस नहीं लिया तो इतना मुंह क्यों फुलाया है? जूस चाहिए। कौन सा जूस चाहिए? वो वाला, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें लाल लाल जूस होता है ना, वो वाला। कौन सा? अनार वाला? नहीं, गावा वाला? नहीं, जिसमें एक इतनी सी बोतल होती है और लाल लाल जूस होता है उसके अंदर। इतनी सी बोतल? पता नहीं, ऐसा तो कोई जूस नहीं है। इनार का कलर तो रेड है। रेड होता है ना, और उसका जूस का कलर, जूस का भी रेड ही होएगा। रेड 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 वाला वो जूस था ना, उसकी बोतल थोड़ी अलग थी ना, और बाकी वो रेड रेड वाला जूस पीना था वैसे। पापा ने तो कौन सा लिया? पापा ने कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं लिया? नहीं। कुछ ना होने से बेटा कुछ तो बेहतर है, इसलिए गावा वाले ही ले लेते। ये आप देख सकते हो भी आईटीआई की छुट्टी हुई है, यहाँ से लेकर वहाँ तक लाइन आ रही है, बच्चों की आ रही है, बच्चे बाइक पे आ रहे हैं, टीचर बाइक पे आ रहे हैं, आजकल तो हर कोई बंदा बाइक, बिना बाइक के तो बात ही नहीं करते, बाइक और एक मोबाइल। तो आपके पास भी तो है बाइक और मोबाइल? मेरे पास थी ना, तो जब अरे कॉलेज टाइम में लास्ट में ली थी मैंने, मैंने आजकल तो भाई बंदे आईटीआई भी कर रहे हैं, गाड़ियों में आते हैं भाई, क्या बात है, क्या तरक्की कर रहा है मेरा देश। अच्छी बात है, अच्छी बात है, साफ सफाई करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं तैयार हुई हूँ। एक्चुअली नीचे जो किचन में बची हुई टाइलें लगवाई थी ना हमने, तो मैंने बताया कहीं और था और उस बंदे ने लगा कहीं और दी। फिर अब जहाँ पे बोला था ना वहाँ पे थोड़ा सा मतलब दीवार जैसे फट जैसी रही है, मीन्स अगर प्लास्टर को हम लोग अच्छे से पानी नहीं देते ना तो वो फट जाता है, उस तरीके से हो रखा है। तो फिर वहाँ पे अगर टाइल लगा दे तो फिर मतलब बढ़िया दिखेगा। तो अब फिर मैं क्या 4-5 पेटी जितने कर लगेगी वहाँ पे, वो एक्स्ट्रा फिर यहीं से लेके आनी पड़ेगी और किचन भी फिर वो सुंदर हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम लोग मार्केट तक में क्या मार्केट से, क्योंकि जो भी थी ना बच्ची भी थोड़ी बहुत इधर उधर बाथरूम वगैरह सब हमने अपने किचन में फिक्स करा दी थी। नीचे भी किचन के लिए जहाँ पे हमें करवानी थी थी उतनी कर वो बची हुई, तभी मैंने वो मतलब साइड करवा दी थी, पर क्या करें गलती उस बंदे की और भुगते हैं हम, तो मतलब 4-5 हज़ार रुपये का और खर्चा हो जाएगा। अभी ना मौसम थोड़ा ख़राब सा लग रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ी देर पहले थोड़ा तूफान आ गया था, तो मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। हाँ बोल बोल। ठीक है ना, पर मैं ये बोलने चाह रही थी ना कि ये बेचारी जो हमारी क्यारी है ना, कौन सी क्यारी एक बार, अच्छा अच्छा ये बोल रही है कुछ बोल। ओह माय गॉड, ये तो यहाँ पे तो बीज डालने पड़ेंगे, इसकी तो खुदाई करने पड़ेगी। उस दिन पिकनिक बनाई थी, वो ईंटें भी अभी वहीं पे है। ठीक है तो चलते हैं काम करने के लिए। यही मैं बोलना चाह रही थी कि चलिए। पर अभी तो यार बारिश में ना ये भीग मतलब इतना, वो पहले इसको निकालना पड़ेगा। देखो मुझे पता था कि आपका बहाना कुछ होगा, तो बहाना बताइए आपको। बहाना कुछ नहीं है, अभी मतलब इसे बारिश होगी तो गिल्ली हो जाएगी ये, तो पहले इसको साफ करना पड़ेगा। इसको तो कल ही करते हैं ना, अभी तो बड़ा मुश्किल है यार। चलो देख लेते हैं। नहीं नहीं, जो कल करे सो आज करे, मेरा फार्मूला अपनाओ ना। हाँ ठीक है, कल करे सो कर। चलो शायद ये मेरा ही नहीं सारी लेडीज का प्रॉब्लम है कि इन हस्बैंड लोगों से ना काम करवाना बहुत ज़्यादा सरदर्दी होती है। मतलब पता नहीं कितनी कर बातें बोलनी पड़ती हैं तब जाकर के इनसे एक काम निकलवाया जाता है। और ऐसा ही हाल मेरे जनाब का भी है। तो इतने दिन हो गए, रोज़ मैं इनको बोलती हूँ कि थोड़ा सा चल के कर लेते हैं। तो एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा बिज़ी होती हूँ इसके यूट्यूब के चक्कर में। पहले बच्चे जाते हैं स्कूल, उसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई करो, खाना भी बनना होता है, जैसे चपाती, खैर सब्जी वगैरह तो ये भी हेल्प करवा देते हैं, लेकिन चपाती मैं ही बनाऊंगी, बर्तन मैं ही धुलूंगी, घर में झाड़ू पोछा मैं ही करूंगी। फिर उसके बाद आ जाती है यूट्यूब की बारी, तो वहाँ पर भी आपको बताइए कि यहाँ पर भी डेली ब्लॉग जाता है, साथ ही साथ दूसरे चैनल पर भी डेली ही कोई ना कोई वीडियो जाता है, बल्कि एक नहीं कई बार 2-3 वीडियो भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि व्यूज़ का भी परमानेंट नहीं होता ना। मतलब कुछ एक वीडियोज़ में अच्छे खासे व्यूज़ होते हैं तो कुछ एक बहुत लो भी होते हैं। और
बाकी स्पॉन्सर वीडियोस भी तैयार करने होते हैं तो उनका तो इतनी सरदर्दी होती है रियली, मैं आपको बात बताऊँ ना, एक वीडियो पे कई बारी मतलब पूरा पूरा दिन भी काम करना पड़ जाता है लेकिन फिर भी वो अप्रूव नहीं हो पाता, तो बड़ी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से मतलब मेरा पूरा दिन निकल जाता है। आपको बात बताऊँ, इतनी गर्मियाँ हो रही हैं ना, लेकिन मैं एक भी दिन अभी तक दिन में सोई नहीं कभी भी, आज की ही बात नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है मैंने नहीं मतलब ऐसा कभी हुआ कि मैं आराम से सोई रही दिन भर। हाँ पहले हो भी जाता था जब YouTube नहीं था, लेकिन YouTube के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ गई है ना, घर भी है तो YouTube भी है और इसको भी संभालना ही पड़ता है। अगर अच्छे से आप काम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि फिर नहीं चलेगा, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर भी काम करना पड़ता है तो फिर नहीं रह जाता ये, सच्ची बात आपके साथ दिल की बात बता रही हूँ कि फिर नहीं रह जाता कि आसपास की मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर सकूँ या फिर यहाँ क्यारी में ही थोड़ा सा कुछ बीज डाल सकूँ, नहीं बिल्कुल भी वक्त नहीं रह जाता। मैं कब किसी सोच रही हूँ कि पिछली साइड को भी, अब मिस्त्रियों की भी बात बताऊँ ना, सब ने जो भी हम पता नहीं क्यों हमारे ही साथ ऐसा हुआ, जो भी मिला ना वो जैसे चिनाई वाला था, प्लास्टर वाला था, टाइल वाला या फिर कोई भी था ना, वो सारे मतलब अच्छे से किसी ने भी नहीं किया कि हाँ साफ सफाई करके फिनिश करके गया हो। टाइल वालों का भी आप देख ही रहो, क्योंकि लास्ट में उन्होंने ही काम किया तो उनका था कि भी सारा अच्छे से वो क्लोज करके जाते, रेता भी उस पर सारे बैल वो आ करके गाय बैल बैठ जाते हैं, तो वो भी नहीं हुआ और मुझसे नहीं हो पाया कि मैं उसको फिर बोरे में भर के साइड में करती। अभी मैं भी वेट ही कर रही हूँ, मैं कह चलो कोई ना जब वो आएंगे तभी हो पाएगा। तो आज यहाँ पे फिर मैं लेके आ ही गई आपके सामने कैमरा के सामने, तो भाई बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा काम था। फिर जब अब बात वही है ना कि जब मेरे गेड़े में आ गए हैं ना ये, तो मैं भी अब लगी रहूँगी, ब्लॉग जैसे थोड़ा सा लेट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी इनको जब तक अच्छे से साफ सफाई यहाँ से होती नहीं है ना तब तक बिल्कुल नहीं हटने देने वाली। तो खुद भी उसे मतलब, क्योंकि मैंने तो पहले से भी मैं काम करती थी मेरे वहां पे मायके में, खेतीबाड़ी का हम अच्छा खासा काम करते थे, आपने तो देखा ही होगा, और वहीं से मतलब मेरे को हैबिट है काम करने की, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भी मुझे हैबिट नहीं है, लेकिन हाँ जैसे अभी यहाँ पे इतना बिजी लाइफ हो चुका है ना, तो उस वजह से फिर नहीं रह जाता एक्स्ट्रा टाइम कि मैं किसी और चीज में उसे डिवोट कर सकूं। और भी बदने क्या कर रही है, थक गई है काम करके? कैरी बिल्कुल साफ कर दी, आपको झलक भी दिखा दूँ, ये देखिए एकदम साफ हो गई। अब देखिए क्या बात है, आज थोड़ी चर्बी वगैरह कम हो गई होगी। नहीं, मेरी नहीं आपकी हो गई, चलो मेरी तो चर्बी हो गई कम, पर अब देखो आपने बोला नीचे से आते आते ही कि अभी इसको छोड़ दो, बोला बीज में अपने हिसाब से अपने हिसाब, क्योंकि पिछले बार भी तूने डाले थे ना, नहीं उगे थे वो, तूने कहा चढ़ लगाई थी कि डाल अपने हिसाब से करूंगा, डाले थे ना ठीक है, पर ये भी तो देखो कि उसके बाद घर का काम चला, सीमेंट फिर क्या बोलते टाइल का गर्दा कोई कुछ कोई कुछ सब इसी कैरी में तो झेला, इसी कैरी में सब मात झेली तब नहीं वो बीजे। अच्छा अच्छा, क्या सुंदर लग रही है कैरी, क्या बात, एकदम हमने साफ क्लीन कर दिया। और तो मेहनत करना चाहिए ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है ना। नहीं मुझे तो पता है, पर आपको? मुझे भी पता है यार, कमाल कर रही है। सबसे पहले कौन आया ऊपर बताओ? सबसे पहले मैं ही आया ना अपना काम कंप्लीट करने के बाद, में छोड़ के नहीं आया, मैंने अपना काम कर झाड़ू वाड़ू लगाया मैंने, फिर तब जा करके यहाँ पहुँची। चलो कोई बात नहीं है, की बात है, थोड़ा सा बैठ लेते हैं, थोड़ी रिलैक्स हो लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं। पर ये एक चीज है ना, कल लेने वो शादी उधर दी, कल नींद रुआ में तो बुलाया नहीं यार अभी तक, हमने तैयारियां कर ली है स्टार्ट। हाँ जी तो बोलिए। शादी का कोई भी न्यूनता इनको आया नहीं ना, मतलब अभी तक कोई फोन आया है और ना ही कोई जाए। और मतलब हम लोग शॉपिंग करके आपके साथ भी शेयर कर ही चुके थे, शॉपिंग तो चलो कुछ नहीं है यार, खर्चा बच जाएगा थोड़ा सा। हाँ वही ना, खर्चा बच जाएगा अभी हमारा, और आजकल वैसे भी थोड़ा सेव करने चाहिए पता है ना, और आजकल वैसे फोन पे ही हो गया यार कि यहाँ भी ठीक है आ जाना, क्योंकि आना जाना थोड़ा टाइम लग जाता है, घर से काम होता है शादी, और वैसे भी शादी वाले घरों में इतना बिजी होते हैं लोग तो कहाँ इतना मतलब नहीं रहता, और सही बात भी है जब फैसिलिटी है, जब मोबाइल है हाथ, मोबाइल से कहीं भी आप इतनी तरक्की हो चुकी है, इतना मतलब कुछ भी बैठ के, अभी एक एक टीवी की जगह एक मोबाइल हो गया ये। टीवी ऐसे पहले हम घरों में टीवी देखते थे, ये टीवी खोलने की जरूरत ही नहीं है, बस मोबाइल ही एक टीवी है, हर चीज जो मर्जी आप कुछ भी करो। हाँ जी हाँ जी, तो ठीक है फिर, अब मैं भी अपना चश्मा पहन लेती हूँ ना। चश्मे के साथ बोला बड़ी वो लगती हूँ मैं, दादी अम्मा ना, इसलिए उतार के आपके साथ बातचीत करती हूँ, और बस फिर वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं भला कोई आता, क्योंकि हम लोग तो बैठे अभी इंतजार में, तो क्या क्या अपडेट मिलते हैं। मैं सोच रहा हूं कम से कम बंदे यार चाय बनाएगी, मैं जैसे आते ना मेहमान तो कुछ चाय पानी हो जाता है, चाय पानी मुझे भी अच्छा लगता है कि यार बैठ के पिएंगे, पर मैं वही वेट कर रहा हूं कब जैसे ये इनके बोलने का मतलब है ना कि ऐसे में इनको कोई चाय पानी नहीं पिलाती। मैं चाय से कम पीता हूं। नहीं नहीं वो तो मैं चाय कम पीता हूं, बता रहे हैं कि मैं इनके लिए चाय पानी नहीं करती। करने नहीं चाहिए यार, चाय कम पीने चाहिए, शुगर हो सकती है। हाँ वही ना, फिर क्या बोलते हैं डायबिटीज हो सकती है। हाँ वही 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 तो शुगर डायबिटीज सच में ही ना। और देखो हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, अभी बूंदे पड़ रही है। हाँ कितना मजा आ रहा है, एकदम ठंडा मतलब नेचुरल हवा आ रही है, बाल बाल उड़ रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, कितना अच्छा। मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ। तो बूंदाबांदी हो गई है स्टार्ट, लग रहा है कि भारी बारिश अभी होने वाली है और मौसम ना एकदम ठंडा हो चुका है। तो चलिए आज के ब्लॉग की मैं कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू।